हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में, और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो आंदोलन किए जा रहे हैं, उनकी नियमितीकरण की मांग को लेकर, 62 वर्ष के सेवा काल को लेकर, और साथ में ही काफ़ी कुछ आक्रोश व्याप्त है गवर्नमेंट के प्रति कि किस प्रकार से जो नवनियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग के साथ ही 12,000 से ऊपर अतिथि शिक्षक बाहर कर दिए गए हैं, और आगे भी जैसा कि जैसे जैसे नए नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति होती जाएगी और इसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों को विद्यालयों से बाहर कर दिया जाएगा, उनके सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा, तो काफी कुछ आक्रोश व्याप्त है गवर्नमेंट के प्रति। क्योंकि दोस्तों, कई बार ज्ञापन के माध्यम से भी, छोटे और बड़े आंदोलनों के माध्यम से भी अपनी बात को रखने का प्रयास किया है अतिथि शिक्षकों ने, अपनी मांगों को रखा है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने उनकी सुनवाई नहीं की। बहुत सारे मंत्रियों ने, बहुत सारे सांसदों ने पत्र लिखे, लेकिन वह सिर्फ पत्र बनकर ही रह गए। अब इसी के संदर्भ में दोस्तों, कमलनाथ जी ने फिर से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और मांग की है कि वे अतिथि शिक्षकों की दशा को देखें और उनके प्रति कोई भी एक ठोस निर्णय लें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को उस लेटर के बारे में बताऊंगा, इससे पहले हम देख लें कि किस प्रकार से अपना आक्रोश व्यक्त किया है अतिथि शिक्षकों ने शिवराज सरकार के प्रति और किस प्रकार से अपनी मांगों को रखा है। तो आप देखें ये वीडियो क्लिप, उसके बाद हम बात करेंगे कमलनाथ जी का शिवराज को पत्र। भारतीय मजदूर संघ के जिला सचिव भी हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें अभी समर्थन अपना दे गए। कितना कार्यकर्ता अभी यहाँ पर मौजूद है प्रदेश में? ये हमारा जिला स्तरीय धरना आंदोलन है, पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिलों पर हो रहा है। इसमें भी हमारे जिले के जो अतिथि शिक्षक साथी हैं सभी उपस्थित हैं। हमारी आंगनवाड़ी बहनें जो हैं, वो हमने कुछ परियोजना से आज बुलाई थी और हम क्रम टू क्रम अन्य परियोजना की बहनों को फिर वापस हमारे साथ में बैठने के लिए उनसे हमने आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारा अतिथि शिक्षक भाई की मांगे पूरी नहीं होगी, हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ बैठने को तैयार हैं। आपकी मांगे अगर आगे पूरी नहीं होती तो आप किस प्रकार का आगे कदम उठाएंगे? शासन के ऊपर डिपेंड करता है। हम अभी अनुशासन में रहकर शासन को हमारी मांगे अवगत करा रहे हैं। यदि शासन नहीं मानती है तो शासन की जो भी इच्छा है, हम जो भी आंदोलन की रूपरेखा बनेगी वो हमारा पूरा संगठन तय करेगा। और यदि शासन चाहती है कि हम रोड पे उतरे तो हम रोड पे भी उतरने को तैयार हैं। शासन चाहती है हम जल सत्याग्रह करें, वो करने को तैयार हैं। शासन चाहती है भोपाल को जाम करें, तो वो भी करने को तैयार है। रोड पे उतरने की बात तो पहले भी हो रही थी। सिंधिया जी ने हमें कहा था एक बार कि अगर अतिथि शिक्षकों को हम नियमित नहीं कराएंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे, लेकिन सिंधिया जी तो अंदर चले गए, अतिथि रोड पे आ गए। ये एक एक अतिथि मध्य प्रदेश का अतिथि पूछना चाहता है, रो रो कर उनसे विनती करना चाहता है कि सिंधिया जी है कहा आखिर में, जो अतिथि की बात कर देते और आज हमने सत्ता पा ली उन लोगों ने और हम अतिथि को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। आज 150 अतिथि मर गए हैं। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारी ताल और ढाल और तलवार मैं हूँ और आपको नियमित करा के रहूंगा, तब कहाँ है सिंधिया जी? आते क्यों नहीं अब रोड पर? हमें क्यों मरने छोड़ दिया है? आखिर कहाँ हो सिंधिया जी? एक बार तो आ जाओ, इन अतिथियों की दारुण पुरखाख सुन लो। अगर नहीं सुन सकते हो तो भगवान बन चुके हो तो इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो ताकि सब अतिथि मर जाए, पाप कट जाए। मध्य प्रदेश से बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं। एक बार तो सुन लो, 10-10, 12-12 साल हो गए बच्चों का भविष्य संवारते संवारते और तुम्हारे बच्चे ऐसा कहने लग गए, रोने लग गए, घर जाने की इच्छा नहीं बच रही है। क्या करे, कहाँ जाए, मर जाए। 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, क्या कर रहे अब बताओ, कहाँ करे? अभी हमने सब्जी बेची थी इंदौर में, क्या करे, कोई धंधा नहीं बचा है। अब तो जो बच्चों को हमने पढ़ाया ना, वो भी कहते हैं सर आप करना क्या चाहते, सब्जी बेच रहे हो, बूट पॉलिश कर रहे हो, ये शिक्षक के काम क्या? पर क्या करें, सिंधिया जी तो सत्ता पाकर मग्न हो गए और अतिथि शिक्षक को छोड़ दिया मध्य प्रदेश की शर्तों पर। रोते रहिए, मरते रहिए, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह चौहान जी को जो पत्र लिखा है और क्या क्या उसमें बातें इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर हम इसको देख पा रहे हैं कि कमलनाथ जी के ये लेटर हेड पर ये पत्र है और शिवराज सिंह चौहान जी को संबोधित है। इसमें सब वही बातें हैं कि नियमित भर्ती प्रारंभ होने से लगभग 12,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं और इन अतिथि शिक्षकों की आजीविका का अन्य कोई साधन नहीं होने से उनके परिवारों का भरण पोषण कठिन हो गया है। अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा अतिथि शिक्षकों के पद स्थायित्व एवं नियमित रोजगार प्रदान किए जाने की मांग लगातार की जा रही है और जो विगत एक दशक से जो अतिथि शिक्षक हैं वो लगातार अध्यापन कार्य कर रहे हैं और इसके साथ में ही अपनी मांग भी रख रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको स्थायी रोजगार दिया जाए जिससे कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, भरण पोषण कर सकें। और अंत में वो लिखते हैं कि अतएव मेरा आपसे अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमित रोजगार व पद स्थायित्व की मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने एवं उनकी समस्याओं के समुचित निराकरण करने के लिए निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे ताकि प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के परिवारों को राहत प्राप्त हो सके। शुभकामनाओं सहित आपका कमलनाथ। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो पत्र लिखा गया है, पूर्व में भी काफ़ी कुछ पत्र लिखे गए लेकिन गवर्नमेंट पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और अब तो दोस्तों कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और बेरोजगारी की स्थिति आ चुकी है। अब आगे किस प्रकार से गवर्नमेंट इसका निर्णय करती है, अतिथि शिक्षकों के बारे में आगे क्या विचार करती है, तो ये तो दोस्तों वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो भी होगा सभी के सामने होगा और लेटेस्ट अपडेट जो भी आएंगी तो आपको चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी कर दें वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।